मंगाए ना वो रुपए सब रे घुनी दे दे तुम्हें भी मैंने काका भाई मैं तुम लाए हां पैसे पर हमारी ही गुल्ली है हैं हमारी ही गुल्ली है पता ना गुन नहीं जावी तुमने सुखा रे खाएगी की है बीज ना के रे वो है राज में आएंगे चावल में पड़ता है सब जो अंतर नहीं ला रपट रहा है बकर अंदर से सर जय श्री राम हे गाइस गुड मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में गाइस सुबह हो चुकी है बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और मैं जग चुकी हूँ घर के सारे काम में कर रही हूँ और ब्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है आप लोग हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए गाइस आज हमारे इस वाले गेट के लिए लेके आएंगे गेट जो कि हमने बनने के लिए डाल दिया है अभी थोड़ी देर में जाने वाले हैं और ट्रैक्टर लेके जाएंगे जब जाके वो गेट आएगा गेट है बहुत ज़्यादा बड़ा और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी इस ब्लॉग में कि हमारे घर के लिए बन गया गेट और ठीक है आप लोग हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए गाइस ऐसे प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखिए और चलो दिखाते हैं गेट तो गाइस गेट आ चुका है ट्रैक्टर में रख के लाया गया है बहुत बड़ा गेट है अभी मिस्त्री लोग और सारे मतलब पड़ोस अड़ोस के सारे लोग गेट उठाने के लिए चले गए हमने खोल दिया है बड़ा वाला गेट जो कि ट्रैक्टर को लेंगे अंदर ही और मतलब पांच जने हो रहे हैं पांच जनों को उतरेगा नहीं इतना भारी गेट है तो उसके लिए 10-15 आदमी चाहिए तो 10-15 आदमी मिल नहीं रहे हैं इस टाइम और दो हमारे घर के मिस्त्री हैं जो किवार वगैरह बना रहे हैं और जतिन के पापा और हमारे जेठानी जी के लड़के और एक ट्रैक्टर वाले मतलब दो तीन जने ऐसे मिलकर उतार रहे हैं तो उतर नहीं रहा है तो मतलब कोशिश ये की जा रही है कि मतलब अंदर गेट के ट्रैक्टर को लेके आए और थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मतलब ऊपर चढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी तो ट्रैक्टर के ज़रिए से उसको लेके अंदर आएंगे और फिर उसको घर पर उतार लेंगे तो आप लोग देखते रहिए कैसे कैसे क्या क्या होगा कैसे गेट उतारेंगे कैसा गेट है कैसा आपको लगा हमें बताना थोड़ा बड़ा है गेट और बड़ा इसलिए क्योंकि गेट की लंबाई ज़्यादा है इसीलिए हमने उसी हिसाब से बनाया है तो लोहे का गेट है स्टील का है नहीं मैंने बोला था स्टील का गेट लगवाओ बहुत सुंदर सा लगेगा लेकिन जतिन के पापा मानते नहीं उनकी मतलब अपनी अलग ही एक मतलब उनका एक अलग पसंद है कि हाँ लोहे का गेट लगेगा लेकिन स्टील का गेट लगता ना सुंदर सी जाली चढ़ती तो बहुत ही प्यारा लगता लेकिन क्या किया जाए जैसा आ गया वैसा ठीक है कुछ कर भी नहीं सकते हैं तो फिलहाल गेट चढ़ाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे ढूंढ रहे हैं दो तीन जने और मिल जाए लेकिन नहीं मिल रहे हैं मैं बैठी हुई हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो रही है बहुत ज़्यादा मौसम देख सकते हो अभी हमारे बक्सा वगैरह भारी रखे हैं अंदर बिल्कुल जगह नहीं है रखने के लिए बाइक भी बाहर रखी है तो गाइस अभी कुछ व्यवस्था सी बनाई जा रही है दोबारा से पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग बाहर पूरा सामान पौधा वगैरह भी बाहर रखे हैं पौधा पता नहीं वहाँ से महाराष्ट्र से आया था ये एकदम सुंदर सा खिल रहा था दिखाया होगा मैंने शायद किसी व्लॉग में लेकिन यहाँ पर काम की वजह से धूल मिट्टी पता नहीं क्या इसको हो गया एकदम सूख गया यहाँ पर आके तो हमारे बक्से रखे हैं बाहर एक बक्से में पूरा मंदिर का सामान रखा है खाली हमने शिवलिंग निकाली है और बाकी कोई सामान नहीं निकाला वैसे भी हमारे घर में बहुत सारा सामान फैला पड़ा है तो अभी जो लोग लेके आएंगे ट्रैक्टर अंदर जब आपको दिखाऊंगी जब तक मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या क्या चल रहा है क्या क्या हो रहा है हमारे घर पर तो जब से गाइस हम महाराष्ट्र से आए जब से मतलब हमारे यहाँ पर काम चल ही रहा है क्योंकि देखो अब सेट तो होना ही है हमें यहाँ पे आके गांव में आके सेट होंगे अच्छे से
तो थोड़े बहुत जो काम रह रहे हैं बाकी घर के उन सबको हम करवा लेते हैं, क्योंकि बार बार तो ये काम होंगे नहीं। अब अलमारी वगैरह बन रही हैं, इन चीज़ों में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने सुखाए थे राजमा और ये मैं मंगाए थे इन पे ही गोविंदा पे, जो भर्रे का है, जो मेरे जिठानी की लड़का है, जो भर्रे का इन पे मंगाए सबरे घुने हुए उठा लाए हमें इन, तो यही गहरी में ला लाए ये सब घुने हुए हैं, मैं तुम देख के न लाए तो बस वही बात है। अगर चाची ने भर के इन्हें कहूँ रख दो यहाँ पर, वो आ गए हो ना फाटे तो इन्हें भर के रख दो, मैं कह रही मैंने कि ला मैंने रख दे रही हूँ, वो बिखर गए ना तुम बीन रहे हैं जी, तभी मैं इन्हें ले जा रही हूँ और रख दूँगी बक्सा पे। मुझे पता नहीं था गाइस कि मैं मतलब यहाँ सुखा रही हूँ तो मुझे हटाने पड़ेंगे, और मैंने ऐसी प्लाई लेके एक प्लाई इसी पे सुखा दिए थे, मुझे क्या पता था। तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसी रख दें बक्सा पे, और अभी मिस्त्री लोग बोल रहे हैं घूम रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है गाइस, इतना भारी गेट है। अभी पता आया था ना कितने कुंटल का है, मैं ध्यान नहीं रहा, मैं किसी दिन और किसी ब्लॉग में बताऊँगी कितने कुंटल का है ब्लॉग वो कुछ भी बोल रही हूँ, तो कितने कुंटल का है हमारा गेट ब्लॉग बोल रही हूँ। तो कभी कभी थोड़ी जीभ इधर उधर हो जाती है, तो इसको अब समझ सकते, देखो सभी से हो जाता है ऐसे कभी कभी, तो सबका ही चलता है। और घर में इतने सारे काम हैं, उन सबको करती हूँ मैं। इस टाइम में जो आवाज़ डाल रही हूँ अभी, इस टाइम समझ सकते हो कि बहुत सारा काम करके आई हूँ मैं घर में ही, और आवाज़ भी डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग पड़ा है मेरा बाहर, जब प्राण से खोल के आया गेट और बार बार कुत्ता आ रहा है मेरे ध्यान कुत्ता में भी है, और ब्लॉग तैयार भी कर रही हूँ, तो थोड़ा इधर उधर हो जाती है बातें। तो कोई नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ का ना एक अलग ही मतलब अलग सा ही होता है, जैसे कि हम कभी कभी जैसे मैं बात करती हूँ, मेरा तरीका कुछ अलग है बात करने का, आप सभी जो सुन रहे होंगे आप सभी का अलग होगा, तो हर किसी का एक अलग नज़रिया होता है देखने का, सुनने का, बोलने का, तो मेरा कुछ कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। तो इस इतनी छोटी सी बात मैंने इतनी बड़ी बात बता दी, आप समझ गए होंगे अब तक। तो गाइस अभी गेट अंदर आ रहा है, आप देखिए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, इस टाइम गेट को लेके आ रहे हैं अंदर। हटियो लाला सामने तेने का वीडियो बना लो ना पलंग है। काम ही खत्म भयो अब देख थोड़ा
राजा में सिर्फ पड़ेंगे ना, जो भी राजा वो होंगे। क्या लगा देने बुने उन्हें लाग देता है। ए दो चार जने और ले लियो, ये इतने की उसकी बात ना है। मार के ये लगने जाएगा वो तो नहीं इधर है वादी। खड़ो मत करो गिर गिर आवे का ऊपर ऐसी लेट हो रही है। No.
हाथ पैर हटा लिए अपने अपने हाथ पैर हटाओ तो गाइस इस ब्लॉग को हम कर देंगे यहीं पे एंड। आज हमारा गेट आ चुका है और बहुत भारी था, बड़ी मुश्किलों से उतारा। तो गाइस आप लोगों को हमारा गेट कैसा लगा हमें बताना कमेंट में, और आप लोगों का सपोर्ट गाइस ऐसे ही बना रहे और ब्लॉग आप लोग हमारे देखते रहिए, पूरा वॉच कीजिए। और मिलते हैं कल ऐसे एक नए ब्लॉग के साथ गाइस, बाय बाय।